मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोकल की बात करने वालों को हिंद स्वराज की किताब पढ़ना चाहिए। भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि वास्तव में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा है। दिग्विजय ने दल बदल कानून में बदलाव की जरूरत बताते हुए कहा कि ऐसा करने वालों के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार को धोखा देते हुए भाजपा में जाने वाले सभी 24 तत्कालीन विधायकों को पार्टी उपचुनाव में हराने का प्रयास करेगी। आगे उन्होंने कहा कि सिंधिया को कांग्रेस छोड़कर जाने की ही जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा करके उन्होंने लोकतंत्र और विधानसभा चुनाव 2018 के जनादेश का अपमान किया। मैं तो सिंधिया जी से कहता था कि कमलनाथ जी 76 साल के, मैं 73 साल का, अगला 20-25 साल तो राजनीति सिंधिया जी को ही करनी है। कहा थोड़ा सबर करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सबर कहाँ है, उनको तो मोदी जी के मंत्रिमंडल मंत्री बनना है, क्या किया जाए।